अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हाफ़ के जी चने की दाल है, हाफ़ के जी चिकन है, ये ब्रेस्ट पीस ले लिया है हमने, और 8 से 10 गोला लाल मिर्चें हैं, 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ हैं, 1 चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक हसबे ज़ायका, पिसा हुआ लहसुन 1 चम्मच। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पॉट लिया हमने, अब इसके अंदर हम ये जो हमने भिगो के रखी हुई थी चने की दाल, 2 घंटे आप भिगो दीजिए इसको आराम से ना, तो ये अच्छी हो जाती है। अब हम इसमें यही एक मतलब बाउल भर के पानी का डाल देंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर आइए, जो हमने चिकन का पीस लिया, ये हमने साबुत लिया हुआ, इससे जो है ना इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है ना कबाबों का, तो ये आप इसमें साबुत डाल दीजिए। और अब हम इसमें सारे तमाम मसाले डालेंगे जो ड्राई मसाले, ये 8 से 10 गोला लाल मिर्चें हैं, और ग्रीन चिलीज अगर बड़ी हों तो आप 6 से 7 ले लीजिए, और अगर ये 6 से छोटी हैं तो मैंने 10 से 11 ली हैं। ये डाल दी। अब हम 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। बाज़ लोग साबुत भी डालते हैं लेकिन साबुत जो मुँह में आता है तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ये 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। नमक डालेंगे हसबे ज़ायका, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं। और ये पिसा हुआ गार्लिक है, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसको लिड लगा कर पकने के लिए रख देंगे। ये इसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर बनाया है। ये देखिए, काफ़ी हद तक चिकन भी टेंडर हो चुकी है और दाल भी हो चुकी है। बिल्कुल ये ऐसी है कि चम्मच से दबाने के ऊपर भी बिल्कुल ये मैश हो जाएगी। मैं इसको अब इसको हाथ से पीसूँगी, चाहे तो आप इसको चॉपराइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से ज़रा अच्छे बनते हैं। ये देखें ये कितने अच्छे बने हैं लुकिंग वाइज भी। अब हम एग को बीट करेंगे और इसमें हम ऑयल गर्म करेंगे फ्राई पैन में। ये देख, ये हमने ऑयल को गर्म किया। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक हम एग को बीट कर लेंगे। ये हमने एग को बीट कर लिया इसी तरीके से। अब हम 1 बाय 1 कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से इसको अंडे में कोट करें ताकि थोड़ा अंडा ज़्यादा लगा हुआ होता है ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर के प्यारे से हो जाएंगे, फिर जब हम इसको खाएंगे फिर वाकई बहुत टेस्टी लगेंगे। अच्छा, अगर आप इसके अंदर और थोड़ा सा टेस्ट चाहते हैं तो ऊपर से आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है, मैं आपको इसके अंदर मसाले वगैरह मिलाकर भी बताऊंगी। ये देखिए कितने प्यारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं ये। अब इसको टाइम दे देंगे दोनों तरफ से, ये दूसरी तरफ से भी ऐसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से ही गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे, प्लेट आउट करेंगे। ये देखिए कितने प्यारे गोल्डन कलर के, ये जितने देखने में अच्छे हैं वैसे ये टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टार्टर के तौर पे या साइड डिश के तौर पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे देते हैं। आप बच्चों को सैंडविच बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, सुबह में नाश्ते में लेते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।